चलो कल कहाँ तक बात किए थे? ग्रुप 13 तक ना? ग्रुप 13 तक बात किए थे ना? चलो ग्रुप 14। ग्रुप 14 क्या होता है? कौन है बता दो? ही ली बी ब क। कौन सा? कार्बन फैमिली। कौन सा? कार्बन फैमिली। कौन सा है? कार्बन फैमिली है ना। देखते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली बोले तो कौन कौन है इसमें? कमांडर, सी, जनरल, सैनिक, पब्लिक। बोलो हाँ है ना। ये छः हैं। छः और आठ कितना हो जाएगा? 14 है ना, है ना। 14 और 18 कितना हो जाएगा बता दो? 14 18 कितना हो जाएगा? 32। अरे 2 8 18 18 फिर कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 50 82 है ना। क्लियर है ना? क्या नाम है? कमांडर, सी, जनरल सैनिक, पब्लिक। सुनो ये कौन सा फैमिली? ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन का, तो क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p2। अरे 2 4 2 6 ना, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर करते हैं सिलिकॉन का 14, तो क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। बोलो हाँ है ना। 14 लास्ट में क्या आ रहा? ध्यान से देखो लास्ट में क्या आ रहा? np2। मतलब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? क्या हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन? np2। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्रुप 15 का, किससे बात करें? ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 में कौन है? कौन है? नाइट्रोजन फैमिली। कौन है ना? कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में कौन है? नेपाल है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, सब है, और बेईमान भी है ना, बीमार। ठीक है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। इसका ट्रिक लिख दें, इसका ट्रिक लिख दें। कमांडर, सी, जनरल सैनिक, पब्लिक। कमांडर, सी, जनरल सैनिक, पब्लिक। क्लियर, इसका ट्रिक है। ठीक है ना, इसका ट्रिक लिख देंगे। क्या हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। कितना जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। कितना 33 हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर बात। ये 51 हो जाएगा और ये 83 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर बात। एटॉमिक नंबर निकालने बताए थे ना, मैजिक नंबर। इसको क्या बोलेंगे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ठोका कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p3। बोलो हाँ है ना। 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? लास्ट में क्या आ रहा? लास्ट वाला जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? np3। क्या जाएगा? np3। ठीक है, हालांकि ऐसा वाला फुल रहता है, NH2 फुल रहता है। ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया ना। इस तरह 16 वाला करते हैं, 17 वाला करते हैं। ठीक है ना, सब लाइन से करते हैं। क्लियर है ना, लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक ठीक, 16 का बात करते हैं। ग्रुप 16 कौन है? ग्रुप 16 कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन फैमिली है ना, ऑक्सीजन फैमिली। कौन कौन है इसमें?
ऑफिसर सीनियर, अरे ऑफिसर बोलो, सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस, है कि नहीं? ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस है ना, 8 है, 16 है कि नहीं, 34 है, 52 है और 84 है कि नहीं, एटॉमिक नंबर। तो इसे क्या लिखेगा, ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस, ऑफिसर सीनियर सेक्रेटरी टेक पुलिस, ठीक है ना, याद रहेगा, क्लियर बात है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें, माने तो ऑक्सीजन का कर लेते हैं, क्या जाएगा 1s2 2s2 2p4, है नहीं, लास्ट वाले में क्या है 2p4, मतलब np4 है ना। मतलब इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो क्या जाएगा np4, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, ग्रुप 17 देखते हैं, डस्टर कहाँ गया, ठीक है। इसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल गिरता है, ठीक है। एक मूवी है इवोल्यूशन हॉलीवुड का, देख सकते हो, इसी पर बेस है, डायगोनल रिलेशनशिप पे। अब जान बुझ के देखने नहीं जाना है, ठीक है ना। ग्रुप 17, ठीक है ना, ग्रुप 17, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली हो गया, नेक्स्ट कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन है ये, हेलोजन, कौन है, याद रखना, हेलोजन, हेलोजन कौन कौन है, फिर बाहर, पक्का, तो कितना हो गया इसमें, 9, 17, बोला हाँ है ना, 35, 53 एंड 85, कितना हो गया, क्लियर ना। इसका क्या लिखेंगे, फिर कल बाहर INT, है ना, फिर कल बाहर INT और बजाने लगे घंटी, है ना। देखो सुनो, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फ्लोरीन का कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या जाएगा 1s2 2s2 2p5, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है, सबको डिटेल पर पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में सबको डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है। देखो इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे, सुनो, फ्लोरीन, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात करें क्या हो जाएगा, NP5 है ना, हेलोजन NP5 है कि नहीं। चलो लास्ट देखते, बट नॉट द लिस्ट एंड द मेन ग्रुप, दैट इज नोबल गैसेस एंड ग्रुप 18, है ना। ग्रुप 18 क्या देखते हैं, ग्रुप 18 देखो, ग्रुप 18 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, क्या बोलते हैं, या फिर इनर्ट गैसेस, क्या बोलते हैं, एंड इट इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है, क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है ना, है ना। क्या होगा इसमें, हेने आकर जेरोक्स रख, है ना, याद रहेगा, तो 10, 18, 36, 54, 86, दो उल्टा बोल दिया, 2, 10, 18,
36 मैजिक नंबर से जा रहे थे, समझा ना, 54 86 मैजिक नंबर से गए, लेकिन पहला लव ग्रुप में तो हमारा होता है ना 288 1818 32, याद रखना ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे इसको, लिख लो, हेने आकर जेरोक्स रख, इनर्ट गैस, ठीक है ना। सुनो बात समझो, इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखते, सुनो सो ध्यान से देखो, इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसका करेंगे, हीलियम का, हीलियम का देखो करते हैं तो 1s2, लेकिन नियॉन का करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, और अगर आर्गन का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। और अगर क्रिप्टन का करते हैं, दिखाते कोई चीज़, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 1s2 है। हमको क्या पता है कि फर्स्ट सेल में कितना सब सेल होता है, एक ही सेल, और ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। सेकेंड सेल में कितना सब सेल होता है, दो ठो, दोनों कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। थर्ड में कितना होता है, और भी होता है, लेकिन इसका देखो सब पी वाला सेल देखो सब फुलफिल है, बोलो हाँ या ना। लास्ट में जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, सुनो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात करें तो NP6 आ रहा, बोलो हाँ या ना। लेकिन सुनो, हीलियम को देखे तो यहाँ पर NH2 आ रहा, मतलब 1H2 आ रहा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, क्योंकि इसके पास और भी पी का सबसेल नहीं है, पी सबसेल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, पता है, एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, डुप्लेट, क्या बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और बाकी सबको स्टेबिलिटी में, बाकी सबको 6 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, क्या बोलते हैं, मतलब नोबल गैस को क्या होना चाहिए, आइदर डुप्लेट या फिर ऑक्टेट, समझ बात, जो भी डुप्लेट है, जो भी डुप्लेट है या ऑक्टेट है, तो हमारा क्या हो गया, नोबल गैस जैसा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर, नोट करो इसको, नोट करो। देखो अभी हम लोग खत्म कर लिए, ठीक है ना, सारे ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या नाम है, डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, समझे बात को थोड़ा सा, ये डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन एलिमेंट दिखाता है, कैसे दिखाता, समझा। देखो लिथियम का जो रिलेशनशिप है ना, वो मैग्नीशियम के साथ होगा, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ, एंड कार्बन का फॉस्फोरस के साथ। किस कैसा रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, एक जैसा, लगभग एक जैसा, लगभग मतलब कहीं पर अगर मान लो मैग्नीशियम काम नहीं आ रहा, मतलब मैग्नीशियम का कमी आ गया, तो लिथियम के मदद से हम लोग वो काम कर सकते हैं। मान लो फॉस्फोरस काम, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन लगाकर, कुछ कंडीशन लगा सकते, इसको इस टाइप का रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। लेकिन असली बात बोले तो व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप मींस द रेशियो ऑफ साइज टू द चार्ज इज सिमिलर फॉर बोथ एलिमेंट। मतलब पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रेशियो ऑफ साइज टू द चार्ज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। मतलब अगर पूछे तुमसे, तुमसे पूछे कि साइज, देखो सुनो, साइज ऑफ लिथियम, साइज ऑफ लिथियम अपॉन चार्ज ऑफ लिथियम, ये क्या होगा पता है, साइज ऑफ मैग्नीशियम, साइज ऑफ मैग्नीशियम अपॉन चार्ज ऑफ मैग्नीशियम के बराबर होगा। मतलब क्या समझे, सुनो हम ये नहीं बोले, सुनो ध्यान दो, हम ये नहीं बोले कि साइज ऑफ लिथियम को वही मैग्नीशियम का साइज होगा, इसे नहीं बोले, क्या बोले, साइज ऑफ लिथियम बाय चार्ज ऑफ मैग्नीशियम, ये किसके बराबर होगा, साइज ऑफ साइज ऑफ लिथियम बाय चार्ज ऑफ लिथियम, ये किसके बराबर होगा, साइज ऑफ मैग्नीशियम बाय चार्ज ऑफ मैग्नीशियम। मतलब कहने का मतलब, जैसे हम बताएं 2/3 ये 4/6 के बराबर होगा, मतलब समझ में आ रहा बात, क्या समझे, रेशियो सेम है, क्या सेम है, समझे बात, बात समझ में, ठीक है, ऐसा चीज़।
इधर में अगर दिखाना चाहें तो इधर भी बोल सकते हैं, बेरिलियम के बारे में भी सेम बात बोल सकते हैं, बोरोन इसके बारे में भी सेम बात बोल सकते हैं, कार्बन इसका है ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ऐसे सर ठीक है, काम का कैसे नहीं, काम का है लेकिन दूसरा चीज़ में काम है, डायगोनल रिलेशनशिप में काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा एक चीज़ एक बार रिकैप कर देते हैं, चार ब्लॉक पढ़े थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बोलो है ना। ये दोनों को बढ़िया से डिटेल में पढ़ाएंगे, इसका अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर और इसका अलग चैप्टर है, ठीक है, सब अलग अलग चैप्टर है। ठीक है चलो लिखो, नोट करो, नोट करो, चलो बढ़िया। देखो ये डायगोनल रिलेशनशिप समझ में आ गया, चलो हम बात करते हैं रेडियस का, किसका बात करते हैं, रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का। बाप रे सुबह से सच में बहुत थक गया। देखो बात करते हैं रेडियस का, किसकी बात करते हैं, रेडियस जो हम लोग का चार तरह का है, कितना तरह का, कौन बोला रे, कौन बोला, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस, क्या हुआ, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। दे दे पहले बात करते किसका, कोवेलेंट रेडियस, किसका बात करते हैं, कोवेलेंट, सुनो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता, समझो कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, जो शेयरिंग से बनता है, किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। मतलब मान लो एक एलिमेंट है, इसमें एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, एक और एटम है, दोनों शेयर कर रहा, कुछ पार्ट शेयर कर रहा, ठीक है ना, एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों शेयर कर रहा, क्या कर रहा, दोनों, ये एटम ए है और ये एटम बी है, ठीक है ना, इसका कुछ रेडियस रहा होगा, इसका कुछ रेडियस रहा होगा, ठीक है ना, ये मान लेते रेडियस आर ए है, ये रेडियस आर बी है, ठीक है ना, सही बात, सुनो हमें ज़्यादा शेयर करा दिया, मतलब हल्का सा टच करता, हल्का सा टच करता, ठीक है, शेयर करता। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, ऐसा रेडियस जो कैसे बना हो, शेयरिंग से बना हो, कैसे बना हो, इसमें दो केस आता है, सुनो दो केस आता है, क्या आता है, दो केस, केस वन लिखो, If electronegativity is same, अगर electronegativity क्या रहे, same रहे, electronegativity क्या रहे, क्या हुआ, कुछ है क्या, अगर electronegativity same रहे तो दोनों का radius क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का same है, सुनो मेरी बात, दोनों का electronegativity same है, मतलब दोनों में ना repulsion होगा ना attraction होगा, बोलो हाँ या ना, दोनों में ना repulsion होगा ना अट्रैक्शन होगा, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, सेम ऐसा जैसा सटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, मतलब रेडियस का बात करते, ये रेडियस और ये रेडियस जुड़ जाएगा, मतलब हमारा जो रेडियस आएगा, मतलब कोवेलेंट रेडियस क्या आएगा, कोवेलेंट रेडियस का बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, बोलो हाँ ना, आर ए प्लस, ये हमारा डायमीटर गया ना, आर ए प्लस आर बी है ना,
दूसरा केस हो सकता है, क्या हो सकता है, ये दूसरा केस पे सवाल आता है, ठीक है ना, दूसरा केस पे सवाल आता है, ठीक है ना। केस टू, इफ हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट सेम, इज डिफरेंट। राइटिंग मस्त से लिख रहे ना, है ना, तबीयत खराब रहता है या फिर दिमाग खराब रहता है या फिर भूख लगा रहता है या फिर थक जाते तो ऐसी राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ फिर ऑस्कर कैसे मिलेगा? हाँ सुनो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा तो क्या होगा, मान लेते एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब एटम जो पहले न्यूट्रल था अब एटम कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बोलो हाँ ना, कुछ ज़्यादा गैप खा जाएगा, बोलो हाँ ना, हल्का बजाय बहुत ज़्यादा गैप खा जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब इसका अगर बात करें, इसका रेडियस का बात करें, कोवेलेंट रेडियस का बात करें, क्या हो जाएगा हमारा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 एक्स ए प्लस एक्स बी। सो एक्स ए और एक्स बी क्या है बता दो, एक्स से हम लोग दिखाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, किसको दिखाते हैं, मतलब ए हम एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, किसका है, बी का, क्लियर बात, क्लियर है, बोलो हाँ या ना, नोट करो, 0.9 वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया डाटा, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल डाटा, सही में अब एनर्जी नहीं बचा, क्या ना ना, चलो हो गया, हो गया, आगे बढ़े, किट कोवेलेंट हो गया, नेक्स्ट चलते हैं वेंडर वॉल पे, बाद में आ गया इनिक पे, नेक्स्ट चलते हैं वेंडर वॉल पे, किस पे चलते हैं, अरे यार डस्टर तो है मेरे पास, हम तो अमीर हैं, अमीर है, देखो डस्टर है, वही स्कूल से उठा के लाए हैं, वीडियो वाला भी देखता हूँ, अरे तेरी का, नहीं झूठ नहीं बोलते हम, झूठ बोलते रागनी, एकदम कब, लेकिन आज गलत हो गया रागनी साहब, इसको नहीं पूछा बताओ, नहीं नहीं इनकलाब जिंदाबाद है ना, आजादी चाइना, देखो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो देखो वेंडर वॉल रेडियस बताएंगे बताएंगे, वेंडर वॉल रेडियस, दो मोल, दो एटम लेते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एच टू एच टू, चलो लिखो, नोट करो नोट करो, नोट हो गया, जल्दी करो, गर्दन विकृत कर मालूम, बीमार इंसान हो गया लग रहा है ना, देखो रेडियस का बात करें, रेडियस ऑफ इंटरवल,
वेंडरवाल रेडियस का अगर बात करें, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ H2H2 बाई 2, मतलब ये दोनों का बीच का पूरा लेंथ बोले ना, ठीक है ना। ठीक है, सुन मेरे पास समझो, इस रेडियस में एक खास बात है। क्या खास बात है? हाँ बेटर हो, हाँ मॉलिक्यूल्स H2H2। सुनो सुनो, खास बात क्या है पता है, दो मॉलिक्यूल्स टच नहीं है, ये दूसरे में क्या है, दे बोथ आर नॉट इन टच विथ इच अदर। बात समझ में, ठीक है ना। यहां से अगर बोले तुमसे क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनो, कोवेलेंट और वेंडरवाल में ज्यादा बड़ा रेडियस कौन बता दो, कैसे, कोवेलेंट तो टच था ना, ये टच नहीं है तो इसका बड़ा हो जाएगा ना, है कि नहीं, क्लियर बात, नोट करो, बोलो। कोवेलेंट में हाँ बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का तो रहा ही रहा, ये वाला भी तो रेडियस में जुड़ गया, सही बात, ठीक है नोट करो नोट करो नोट करो, टाइम कितना हुआ देखो तो।